बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे पाइथन के अंदर वेरिएबल किस तरह से काम करते हैं। अब बेसिकली पहले वेरिएबल्स पे काम करने से पहले पहले मैं उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि बेसिकली ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। वैसे तो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि एक नई लैंग्वेज के ऊपर काम करा जा रहा है तो बेहतर ये है कि दफ़ा सा रिकॉल कर लिया जाए। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी के अंदर कोई भी चीज़ सेव करवाने के लिए, मीन्स ये कि हमें कोई चीज़ सेव करनी है, कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो हम जिस जगह पे करेंगे वो वेरिएबल कहलाएगा। आइए पढ़ते हैं कि वेरिएबल इज़ अ नेम विच इज़ यूज टू रेफर मेमोरी लोकेशन। क्या मतलब कि वो चीज़ रेफरेंस देती है या बताती है कि इस जगह पे हमने मेमोरी को सेव कराया, मीन्स ये कोई भी वैल्यू को सेव करवाया, उस मेमोरी को लोकेट करवाया। सॉरी, वेरिएबल ऑल्सो नोन एज द आइडेंटिफायर एंड इज यूज टू होल्ड वैल्यू। वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिफाई करवाने के काम आता है। इसके अलावा क्या कि ये क्या करता है? ये वैल्यू को सेव करवाता है, मीन ये कि वैल्यू को होल्ड करता है। इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल बिकॉज पाइथन इज अ टाइप इनफर लैंग्वेज एंड स्मार्ट इनफ टू गेट वेरिएबल टाइप। क्या मतलब कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें वेरिएबल को स्पेसिफाई करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बात बताई कि पाइथन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और उसमें से एक फैसिलिटी ये भी है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है पाइथन के लिए अलग से डाटा टाइप्स को सेट करना या हमें पहले से उसको डिक्लेयर करवाना, जो हम पहले करवाते हुए आ रहे हैं वो हमें नहीं करना पड़ता। मीन्स हम दूसरे लैंग्वेज में क्या करते थे पहले, वो इंटीजर ए, इंटीजर बी, ये इस तरह के कोई वेरिएबल्स को पहले से डिक्लेयर करते थे ताकि हम उसको बाद में एक्सेस कर सकते हो। हमने ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा था, हमने लोकल वेरिएबल पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं। ये क्या है? ये इतनी स्मार्ट है, इतना इसके अंदर एबिलिटी है कि ये डायरेक्टली उसको जज कर लेगा। अच्छा, वेरिएबल नेम कैन बी ग्रुप ऑफ बोथ लेटर्स एंड डिजिट्स बट दे हैव टू बिगिन विद अ लेटर और अन अंडर स्कोर। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल्स जो हैं वो उसको लाजमी तौर पे स्टार्ट होना होगा किसी लेटर से या फिर किसी अंडर स्कोर से, ना फिर वो इनवैलिड वेरिएबल कहलाएगा। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ लोअर केस लेटर्स फॉर वेरिएबल नेम। अच्छा, यहाँ पर ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एग्जाम्पल अगर जैसे कि मैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज की बात करूँ तो अगर यहाँ मैं कैपिटल साथ लिखता हूँ और यहाँ पर अगर मैं स्मॉल साथ लिखता हूँ तो वो क्या होगा कि वो कंसिडर नहीं करेगा, वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। तो हमारे लिए क्या ज़रूरत है कि हम उसको बिल्कुल सेम रखें, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज कौन सी होती है कि अगर बाई चांस मैंने ऊपर अब्दुल बासित लिखा है कैपिटल से, और अगर उसमें से कोई भी एक अल्फाबेट मैंने नेक्स्ट जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो भी मैंने यूज़ करना चाह रहा हूँ उसके अंदर अगर मैंने सेम अल्फाबेट की स्पेलिंग ये सेम केस के अंदर अगर मैंने नहीं लिखा तो वो क्या होगा कि वो उसको दूसरा वेरिएबल कंसिडर करेगा। ठीक है, अच्छा, पाइथन डज नॉट बाउंड अस टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन द एप्लीकेशन। मैंने ये बता दी कि पाइथन हमें ये लिमिट, ये हमें जो है वो फिक्स नहीं करती, बाउंड नहीं करती है कि हमें पहले ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है। हम रन टाइम पर उसको डिक्लेयर करवा के अपना काम कर सकते हैं। इट अलाउज अस टू क्रिएट वेरिएबल एट रिक्वायर्ड टाइम। जब हमें ज़रूरत है हम उसी वक्त जो है वो डिक्लेयर करवा के अपना काम कर सकते हैं। Whether you need to declare explicitly variable in Python, when we assign any value to the variable, that variable is declared automatically. जैसे हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहीं पर क्रिएट हो जाता है, कि उसी वक्त जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन जो है वो बताता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो वेरिएबल को असाइन की गई है, मीन्स ये कि ये ए इक्वल्स टू सी या ए इक्वल्स टू 20, तो ये क्या बताता है कि इसके अंदर जो है वो 20 सेव हुआ। क्लियर है? ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली हमने क्या सीखा पाइथन के अंदर कि वो वेरिएबल के अंदर कि बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, इस जगह पे हम मेमोरी को सेव करवाते हैं, मींस वो जगह जहाँ पे हम किसी वैल्यू को सेव करवाएं किसी मेमोरी के अंदर, तो वो जो जगह जिस जगह पे वो वैल्यू होल्ड करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, ताकि हमें कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसकी आईडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताई थी एक बात कि हम पाइथन क्योंकि काफ़ी इजी है तो इसका सिंटेक्स काफ़ी इजी है। जैसे हमने पहले प्रिंट करवाया था तो हमें सिंटेक्स के अंदर इंटरमिनेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से
अभी जब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊंगा तो मुझे कोई भी डेटा टाइप देनी नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल, मुझे इंटीजर नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे स्ट्रिंग नहीं लिखना पड़ेगा, या मैं जो भी लिखना चाहूँ। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है लिखने की वेरिएबल डिक्लेयर करवाते वक्त। मैं बस डायरेक्टली क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल मुझे किसी का नाम लिखना है तो मैं नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया, आगे मैंने इनवर्टेड कॉमास लगाया और उसका नाम लिख दिया। एग्जाम्पल, मैं अपना नाम लिखता हूँ अब्दुल बासित लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको इस वैल्यू को होल्ड कर लेगा। अगली चीज़ में क्या लिखता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ उसकी एज लिखना, तो एज मैंने लिख दी यहाँ पर एग्जाम्पल पे नहीं, ठीक है। अगली, मैंने देखिए मैंने यहाँ पे कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। अगर बाई चांस कोई और लैंग्वेज होती तो वहाँ पर वो एरर दे देगा हमें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सैलरी लिखता हूँ, इसके अंदर एक नई डेटा टाइप आ जाएगी, कौन सी, यहाँ पे फ्लोट आती है क्योंकि मैं डेसिमल यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये हम पाइथन के अंदर, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें अलग से डेटा टाइप को डिक्लेयर करवाना है, तो बस डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा 20.00, सॉरी यानी 0.0, ये मैं लिखूंगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनको प्रिंट करवा लूँ, इन वेरिएबल्स को, तो वो कैसे कर पाऊँगा, बस प्रिंट लिखूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका नेम कॉपी कर लूँगा, मैं ब्रैकेट बनाऊँगा जैसे हमने पहले किया था, यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसका नाम सेव कर दिया, पेस्ट किया, ये देखिए नाम लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से मैं अगर प्रिंट दोबारा करूँ और यहाँ पे लाके लिखूँ एज, तो ये भी इसी तरह से इसको प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सैलरी को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसने प्रिंट करवा दिया इस चीज़ को, तो ये बता रहा था मुझे बेसिकली कि देखिए अभी ये क्या हुआ कि हमने लाइन बाय लाइन वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इसको फिर प्रिंट करवा लिया। अब अगर मैं एक बात कहूँ कि मुझे जो है वो एक ही लाइन में सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं, तो वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। इस तरह से होगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लाइन से वेरिएबल्स के नाम लिख लूँगा। एग्जाम्पल नेम, एम्प्लॉय नेम कर लेते हैं हम, सॉरी, ठीक है, कॉमा, एम्प्लॉय एज, कॉमा, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है भाई। अब क्या करूंगा, मैं इक्वल्स टू प्रेस करूंगा और डायरेक्टली बस नाम लिखूंगा। इनवर्ट कॉमास के अंदर नाम आ गया, एग्जाम्पल साद रहमान, ठीक है। इसी तरह से कॉमा, अब जो है वो एज आ जाएगी, तो एज मैंने लिख दी 30, कॉमा, मैं सैलरी लिख रहा हूँ 30,000.0, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको करूँगा, अब देखिए ये डिक्लेयर होगा। अब मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ उसको, तो प्रिंट कैसे करूँगा, प्रिंट जिसको भी प्रिंट करवाना है, मैं ब्रैकेट बनाऊँगा और उसको प्रिंट करवा दूँगा। एम्प्लॉय नेम को प्रिंट करवाना है, तो एम्प्लॉय यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया जाएगा, देखिए इसने साथ रहमान प्रिंट करवा दिया। इसी तरह से जब मैं प्रिंट करवाऊँगा अगली वैल्यू को, ये एम्प्लॉय एज को कॉपी करूँगा मैं, तो ये इसको प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से सैलरी करवाऊंगा तो ये सैलरी दे देगा, ठीक है भाई। देखिए अभी क्या काम, क्या हमने क्या सीख लिया यहाँ पर, पहले वाले में सीखा कि लाइन बाय लाइन अलग से, इस वाले में क्या सीखा हमने, यहाँ पे हमने सीखा कि एक ही लाइन में किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। अब हम सीखते हैं कि मल्टीपल वैल्यू, तथा पाइथन जो है वो अलाउ करती है कि मल्टीपल वैल्यू वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन कर सकते, वो कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि अगर एग्जाम्पल ऐसे कि कोई भी ऐसा है कि कोई मल्टीपल एयरलाइंस जो है, एग्जाम्पल अगर एक अमेरिकन एयरलाइन है, एक इंडियन एयरलाइन है और एक पाकिस्तानी PIA एयरलाइन है, तो वो अगर सब जो है वो दुबई जा रही है, मीन्स ये कि उनका जो एक लैंड होंगे वो दुबई में होंगे, तो वो क्योंकि एक उनका एक सिमिलर स्टेशन है, सिमिलर एयरपोर्ट है उनका, कि जिस जगह पे वो आके लैंड करेंगी, तो अगर मैं एक ऐसी बात करूँ कि दुबई जो है वो उनके अंदर तीनों में सिमिलर है, ठीक है, तो वो मतलब तीनों के अंदर वो वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं तीनों वैल्यूज़ को एक ही जगह पे, तीनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन कर दूँ, तो वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमेरिकन एयरलाइन इज इक्वल्स टू इंडियन एयरलाइन,
is equals to Pakistani airline. ठीक है, अब मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन कर दूँ, तो वो एग्जांपल अगर मैं वैल्यू उसकी असाइन कर देता हूँ दुबई, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो इसको मेमोरी को होल्ड कर लेगा इन तीनों के लिए, ये दुबई है, ये पाकिस्तान एयरलाइन ने भी सेव हो गया, इंडियन एयरलाइन ने भी सेव हो गया और अमेरिकन एयरलाइन ने भी सेव हो गया। ठीक है, तो आइए इसको देखिए प्रिंट करवा के देखते हैं। अगर मैं खाली अमेरिकन एयरलाइन को प्रिंट करवाऊंगा तब भी ये दुबई प्रिंट करके देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इंडियन एयरलाइन प्रिंट करता हूँ तब भी ये क्या करेगा, ये दुबई ही प्रिंट करके देगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी सेम वैल्यू होल्ड हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं पाकिस्तान एयरलाइन चेक करता हूँ तो उसके अंदर भी सेम वैल्यू होल्ड हुई होगी। ये देखिए, ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने इसमें सीखा कि किस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मल्टीपल लाइंस के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के लाइंस के अंदर हमने वेरिएबल असाइन करने का देखा कि किस तरह से असाइन कर सकते हैं। फिर हमने सिंगल लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन किया, और फिर थर्ड हमने क्या किया कि हमने मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर सिंगल वैल्यू को प्रिंट करवाया, असाइन करवाया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा टॉपिक था, बिल्कुल बिगनर लेवल का था, ताकि इसीलिए लेके स्लो स्लो चल रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स लेवल है, जो बिल्कुल बिगनर है, उनको भी बहुत आसानी समझ में आ सके। और बाकी इंशाल्लाह हम ऐसा ऐसा करके एडवांस लेवल पे भी जाएंगे और इंशाल्लाह आगे जाके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे। जब तक के लिए इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।